छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार की तरफ से शुरू की गई महतारी वंदन योजना इन दिनों चर्चा में है। प्रदेश सरकार बहुत जल्द इस योजना की पहली किश्त पात्र महिलाओं को देने जा रही है। योजना को लेकर नारायणपुर की महिलाओं में भी खासा उत्साह नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में शिविरों में पहुंचकर महिलाओं ने अपना फॉर्म जमा किया है। देखिए खास रिपोर्ट। महिलाओं के लिए वरदान महतारी वंदन योजना, महिलाओं के जीवन में नया सवेरा लाएगी योजना। नक्सल इलाकों में भी दिखा जबरदस्त उत्साह, हजारों की संख्या में भरे गए योजना के फॉर्म। नारायणपुर में 27,000 से ज्यादा भरे गए आवेदन। महिलाओं ने सीएम साय का जताया आभार। नक्सल प्रभावित क्षेत्र नारायणपुर में भी महतारी वंदन योजना को लेकर महिलाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ की विष्णु देव साय सरकार ने विधानसभा चुनाव में इस योजना से महिलाओं को सीधा लाभ देने का वादा किया था। सरकार बनते ही समय गवाए बगैर सरकार ने इस पर अमल करना शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री सहित पूरी कैबिनेट इस योजना को बेहतर ढंग से अमली जामा पहनाने को लेकर संजीदा दिखाई दे रही है। प्रशासन के अफसरों के अलावा भारतीय जनता पार्टी के यूथ विंग भी केंद्रों में नजर आई और महिलाओं को फॉर्म भरने के दौरान आ रही दिक्कतों को दूर करने का प्रयास किया। महतारी वंदन योजना में पूरे जिले नारायणपुर में अब तक लगभग 27,680 फॉर्म्स आए हैं और इसमें से लगभग 5,000 फॉर्म्स ये अबुझमाड़िया जनजाति के हैं, तो इनका अभी सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद अंतिम सूची की प्रकाशन होगी। नारायणपुर में महतारी वंदन योजना का फॉर्म जमा करने आंगनवाड़ी पंचायत में बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची। प्रशासन ने इसके लिए पूरी तैयारी करके रखी थी। जगह जगह महिलाओं को योजनाओं को लेकर जागरूक किया जा रहा है और आवेदन जमा करने की पूरी जानकारी भी दी गई। नारायणपुर के नक्सल प्रभावित अबुझमाड़ की बात करें तो यहां इस योजना में 5,335 महिलाओं ने फॉर्म भरा है, जबकि पूरे जिले की बात करें तो 27,000 से ज्यादा महिलाओं ने आवेदन जमा किया। ऐसी सभी महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में दी जानी है जो आधार से लिंक हो। इसमें विधवा और परित्यक्ता महिलाओं को भी शामिल किया गया है। उम्र की इसमें कोई बंधन नहीं है और नारायणपुर जिले में 5 फरवरी से लेके जब ये मिशन मोड में शुरू हुआ महतारी वंदन योजना का कार्यक्रम से लेके अब 20 तारीख तक शाम 6 बजे तक 27,680 फॉर्म हमको प्राप्त हुए हैं और इन फॉर्म्स का हमने ऑनलाइन एंट्री कर लिया है और एंट्री करने के उपरांत 25,226 फॉर्म का अभी तक सत्यापन भी हो चुका है और सत्यापन के उपरांत सभी फॉर्म के सत्यापन के उपरांत इन फॉर्म्स को ग्राम पंचायतों में या वार्ड में भेजा जाएगा जहां पे ये पात्रता या किसी और संबंध में जो कुछ शर्तें हैं या कुछ एक चीजें हैं वो पूछताछ की जाएंगी और फिर अंतिम सूची का प्रकाशन 1 तारीख को किया जाएगा। तभी यानी कौन पात्र है या कुछ अपात्र भी होंगे उनको बाहर करने के बाद जो वास्तविक में पात्र हितग्राही होंगे उनको प्रतिमाह 1,000 रुपए की राशि दी जाएगी। महिलाएं महतारी वंदन योजना को वरदान बता रही हैं। उनका कहना है कि इस योजना से उनकी बहुत हद तक समस्याएं दूर हो जाएंगी, जिससे वो छोटी मोटी अपनी जरूरत की चीजों को खरीद सकेंगी, साथ ही घर का आर्थिक बोझ भी कम होगा। मोदी और साय सरकार ने जिस प्रकार महिलाओं की जरूरतों को समझा है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोकसभा चुनाव में भी इसका फायदा जरूर मिलेगा। महतारी योजना का फॉर्म भरी हूँ, मेरे मतलब इसमें जो लाभ मिलेगा वो मेरे परिवार का सहायता बनेगा। मैं मुख्यमंत्री को बहुत धन्यवाद करती हूँ। सरकार की इस योजना से हमको बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है और इस लाभ से हमारे घर की आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो रही है। इस वजह से मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और इससे हमारे बच्चों की पढ़ाई में भी थोड़ा बहुत योगदान हो सकता है। जो योजना महतारी योजना है उसमें फॉर्म भरी हूँ, आशा कर दी हूँ कि मिले महतारी योजना से लाभ, मेरे बच्चे लोग का सहायता हो जाए। मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद करती हूँ। मैं महतारी योजना का 1,000 का फॉर्म भरी हूँ, बाकी वो आने का संभावना है
मेरा छोटे जो बच्चे हैं मैं उनके लिए 1,000 मिलेगा तो उनके लिए अभी आगे जाके भविष्य उनका चेंज कर सकती हूँ। बाकी मुख्यमंत्री को धन्यवाद करना चाहती हूँ। महतारी वंदन योजना का मतलब सालाना 12,000 रुपए पाना ही नहीं है, बल्कि महिलाएं इस योजना से कई उम्मीदें लगाकर बैठी हैं। महिलाओं को इंतजार है तो बस उस दिन का, जब उनके खाते में योजना के पैसे पहुंचेंगे। नारायणपुर से नवेंद्र नागवंशी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मोरमाटी मोर खबर।